बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सभी से रविवार को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने विशेषकर पटना के व्यवसायियों और छात्रों से उस दिन अपने कामकाज छोड़कर पीएम मोदी की रैली में आने की अपील की है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि रविवार 3 मार्च को पटना के सभी व्यवसायी अपने दुकान प्रतिष्ठान और कोचिंग संचालन को अपने संस्थान को बंद रखें। सभी लोग प्रधानमंत्री को सुनने और उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में गांधी मैदान आए। सुशील मोदी ने व्यवसायियों से अपील की कि पुलवामा के आतंकी हमले का बदला लेने के निर्देश देने के बाद पहली बार पटना आने वाले प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत करें। बिहार से करीबी रिश्ता रखने वाले आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन और सीएम ने अनिल शर्मा को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली पुलिस को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इनके खिलाफ खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस इस मामले में अनिल शर्मा की पत्नी पल्लवी और 2 अन्य निदेशक को अरेस्ट कर सकती है। खबरों के अनुसार दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के अन्य निदेशक शिवप्रिया और अजय कुमार को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही शर्मा की दक्षिण स्थित बंगले समेत निजी प्रॉपर्टी और अन्य 2 निदेशकों की प्रॉपर्टी को भी जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत में घुसपैठ की कोशिश के जवाब में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव है। इसके बाद पाक समर्थित आतंकी घटनाओं की आशंका को देखते हुए बिहार सहित कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना एयरपोर्ट और पटना जंक्शन सहित राज्यों के सभी एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार में सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल पर बाहर बिल्कुल तैयार स्थिति में 2-2 गाड़ियों पर हथियारबंद जवानों को रखा गया है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र स्टेशन के साथ ही दानापुर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। देश के 3 मुख्य शहर मसलन पटना, मुजफ्फरपुर और गया में गुरुवार को हवा की गुणवत्ता में अप्रत्याशित सुधार दिखाई दिया। तीनों शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे गिरा। जहां तक पटना राजधानी का सवाल है, शहर में साल में पहली दफा संतोषजनक श्रेणी की हवा चली। पटना में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स केवल 90 दर्ज किया गया, जबकि पीएम 25-46 रहा। इस साल अभी तक सबसे न्यूनतम रहा। जानकारों के मुताबिक शहर में सुबह हुई बारिश के चलते धूल नहीं उड़ी, लिहाजा हवा की गुणवत्ता में सुधार दिखाई दिया। मुजफ्फरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 96 और गया का 77 रहा। लोकसभा चुनाव में नक्सली संगठन खलल डाल सकते हैं, डीजीपी कार्यालय ने इसको लेकर आशंका जताई। सुरक्षा बलों के लिए गया, औरंगाबाद, नवादा, जुमई, लखीसराय, मुंगेर और बगहा में मतदान करना चुनौती से कम नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए घने जंगलों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में नजर रखने के लिए मतदान से 10 दिन पहले ही हवाई संरक्षण शुरू कर दिया जाएगा। नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्ण ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इसके लिए पत्र लिखा है। पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान से ठीक एक दिन पहले औरंगाबाद जिले में नक्सलियों ने IED विस्फोट किया था। इसमें CRPF का एक जवान शहीद हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।